ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के मायावी ग्रह राहु और केतु का महापरिवर्तन अक्टूबर के महीने में ही होने वाला है, तो इसका कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 30 अक्टूबर 2023 की दोपहर 2:13 पर ये दोनों छाया ग्रह अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। राहु मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं केतु देव तुला राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं और आने वाले 18 महीने तक यानी 30 मई 2025 तक ये दोनों ग्रह इन्हीं राशियों में रहने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में 5 बड़े बदलाव निर्मित कर रहे हैं राहु देव और केतु देव मिलकर। 30 अक्टूबर के तुरंत पश्चात आपके जीवन में 5 मुख्य बदलाव निर्मित कर रहे हैं, उसी की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो कन्या राशि के जातकों, ये जानकारी आपके लिए काफी खास महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को ग्रहों में छाया ग्रह माना जाता है। राहु शनि के जैसा परिणाम देते हैं, वहीं केतु देव मंगल के जैसा परिणाम देते हैं। स्वर भानु नाम के दैत्य से राहु और केतु की उत्पत्ति हुई है, यानी एक ही राक्षस के शरीर से दोनों ग्रह उत्पन्न हुए हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इन दोनों ग्रहों की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई है। शरीर में कोई भी इंद्री यानी कोई भी अंग नहीं होने की वजह से राहु को अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं है, इसलिए राहु का जब बलवान प्रभाव होता है, बली प्रभाव होता है, तो अचानक से बड़े लक्ष्य में जातक संलग्न होकर सफलता अर्जित करता है, अचानक जीवन में धन को अर्जित करता है, बड़े पद को अर्जित करने में सफल होता है। राहु का अगर शुभ प्रभाव होता है तो शरीर में आकस्मिक रूप से बल यानी बहादुरी निडरता उत्पन्न होने लगती है, विदेश में सफलता मिलती है, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया लाइन, राजनीतिक जीवन, ड्रामा, इन क्षेत्रों में आसानी से सफलता मिल जाती है। केतु के शुभ प्रभाव से अनुसंधान के क्षेत्रों में, मोक्ष जनित क्षेत्रों में, गोपनीय कार्यों में, वैराग्य के क्षेत्रों में जातक बढ़ने लगता है, यानी आध्यात्मिक हो जाता है, आध्यात्मिक कार्यों में सफलता अर्जित करता है। वहीं अगर राहु का बुरा प्रभाव हो तो शरीर में अज्ञात भय बना रहता है, शराब का आदि ऐसा व्यक्ति हो जाता है, बदनामी होती है, कोर्ट कचहरी जैसे मुद्दों में केवल धन का नुकसान होता है लेकिन जीवन में विजय नहीं मिल पाती है। वहीं केतु के बुरे प्रभाव से जिगर की रोग, फेफड़ों के रोग, खुजली की समस्या, माहवारी की समस्या महिलाओं में होती है, शरीर में झुंझुनाहट बना रहता है और मन में आत्मघाती विचार केतु अगर खराब हो तो उत्पन्न होते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है और कौन से 5 बड़े बदलाव मिल सकते हैं। कन्या राशि के जातकों, यह जानकारी आपके लिए ही आधारित है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके अष्टम भाव को छोड़कर सप्तम भाव पर प्रवेश करेंगे, वहीं केतुदेव आपके धन भाव को छोड़कर आपके लगन भाव पर गोचर करने वाले हैं। सबसे पहला बदलाव कन्या राशि वाले जातकों के कर्म क्षेत्र में मिलने वाला है। देखिए, आपके जीवन में कर्म क्षेत्र पर जो स्वामी हैं वो कर्म भाव के बुध हैं। कर्म भाव पर राहु और केतु का बैड इफेक्ट बना हुआ था, बुरा प्रभाव बना हुआ था। इसकी वजह से कन्या राशि के जातकों के अंदर मनोबल की कमी बनी हुई थी, इच्छा शक्ति आपकी छेड़ हो चुकी थी,
कुछ समय के लिए आप मनोबल से भरे हुए रहकर काम कर रहे थे और कुछ समय के पश्चात आपका मोटिवेशन मनोबल डाउन हो रहा था। केतु की दृष्टि आपके दशम भाव यानी कर्म भाव पर बने रहने की वजह से कन्या राशि के जातकों को संतोषजनक परिणाम करियर में नहीं मिल रहा था, लेकिन 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में आकस्मिक सफलता उत्साह बढ़ने वाला है और सफलता आपको मिलने वाली है। आजीविका के क्षेत्र में व्यापारिक जीवन में नौकरी पेशा जातकों को विशेष उपलब्धि मिलने वाली है। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में दूसरा सबसे बड़ा बदलाव वैवाहिक जीवन में होने वाला है। जी हां, आपके राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी बृहस्पति आपके अष्टम भाव पर गोचर कर रहे थे और राहु देव के साथ गुरु बृहस्पति की मौजूदगी चांडाल योग आपके जीवन में 2023 की अप्रैल से आपको वैवाहिक समस्याएं वैवाहिक उतार चढ़ाव लगातार दे रही थी। कन्या राशि के जातक, अपने जीवन में आप लोग महसूस किए होंगे कि बार बार आपका जीवन साथी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था। लाख प्रयास करने के बावजूद भी आप वैवाहिक जीवन में तालमेल बैठा नहीं पा रहे थे। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों के वैवाहिक, जिन जातकों की शादी 22 अप्रैल 2023 के पश्चात हुई है, उनको और भी समस्याएं हुई है। तो वैवाहिक जीवन के मामले में 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात राहु केतु के परिवर्तन से, चूंकि बृहस्पति आपके राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी हैं, बृहस्पति राहु के चपेट से मुक्त होंगे, तो वैवाहिक जीवन में आपको सकारात्मकता काफी ज्यादा मिलने जा रही है। तीसरा, कन्या राशि के जातकों के जीवन में पारिवारिक जीवन को लेकर विशेष सौगातें बढ़ने वाली है। कुटुंबीजनों के मामले में कन्या राशि के जातक, चूंकि कन्या राशि वाले जातक अपने परिवार के लिए समर्पित होते ही है, तो परिवार में आपने देखा होगा कि निरंकुशता, परिवार के सदस्यों के बीच में तर्क वितर्क, किसी चीज का अभाव नहीं है, फिर भी परिवार में लड़ाई झगड़े या अचानक रूप से नकारात्मकता आपने देखी होगी कि परिवार में छोटी मोटी बातों को लेकर नकारात्मकता निर्मित ज्यादा हो रही है। यह प्रभाव कन्या राशि के जातकों को पिछले 18 महीने से राहु केतु के बुरे प्रभाव से मिल रहा था। तो कन्या राशि वाले जातकों, 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात पारिवारिक जीवन के मामले में सहयोग बढ़ेगा, गलतफहमियां दूर होंगी, तर्क वितर्क बहस वाद विवाद से आपको मुक्ति मिलने वाली है, इन सभी चीजों से आपको निजात मिलने वाला है। चौथा, कन्या राशि वाले जातकों का इस समयावधि में मान सम्मान बढ़ने वाला है, सामाजिक दायरा बढ़ने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों, इस समयावधि में 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात आप प्रयास करेंगे, आपका वर्चस्व सामाजिक दायरा के रूप में निकलकर सामने आएगा, परिवार में एक बेहतर होता, एक बेहतर सम्मान की स्थितियों को निर्मित करने में सफल रहेंगे। खोया हुआ मान सम्मान कन्या राशि वाले जातकों को पुनः प्राप्त होने वाला है। पांचवा, कन्या राशि वाले जातकों को शारीरिक प्रॉब्लम परेशान कर रही थी। कन्या राशि के बहुत सारे जातक राहु के अष्टम भाव पर रहने की वजह से आप अपने जीवन में लगातार शारीरिक रूप से परेशान थे, पेट जनित समस्या, जिगर में प्रॉब्लम, शरीर में दर्द, मनोबल की कमी, त्वचा जनित बीमारी, चमड़ी जनित बीमारी, ये सारी समस्याएं बहुत सारे कन्या राशि वाले जातकों को परेशान की है। कन्या राशि के जातकों, अष्टम भाव पर राहु और द्वितीय भाव पर केतु की वजह से आंखों से संबंधित बीमारियां भी परेशान की है, तो इन सभी चीजों से आपको राहु देव और केतु देव बाहर निकालेंगे। 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात इम्यूनिटी यानी शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा। शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र शरीर में जो आने वाले रोग हैं उनसे लड़ता है। इम्यूनिटी आपकी मजबूत काफी ज्यादा होने वाली है और स्वास्थ्य जनित लाभ और सफलता, स्वास्थ्य जनित परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे, सेहत में आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। अब कन्या राशि के जातकों को कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए,
राहु देव आपकी राशि को अपनी राशि मानते हैं, यानी कन्या राशि में अगर राहु मौजूद हो तो सर्वश्रेष्ठ सफलता देने के लिए सक्षम होते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। यदि आपकी राशि कन्या है और आपके जन्म कुंडली पर राहु देव की कंडीशन काफी खराब बनी हुई है, राहु सूर्य या चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, राहु देव मंगल के साथ षडाष्टक बनाए हुए हैं, या राहु देव शत्रु राशियों में बैठे हुए हैं, खराब भावों में बैठे हुए हैं, तो कन्या राशि के जातकों को यह उपाय जीवन में जरूर करना चाहिए। सबसे पहला उपाय, राहु देव की जो अधिष्ठात्री देवी हैं माता दुर्गा हैं, माता दुर्गा के मंदिर में जाना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ और पंचम अध्याय का पाठ करना, यह राहु के लिए रामबाण उपाय है। दूसरा उपाय, कन्या राशि के जातकों को नारियल तीन बुधवार या तीन रविवार, आप रविवार को भी कर सकते हैं, बुधवार को भी कर सकते हैं, सुबह के समय आपको यह करना है, अपने शरीर से एंटी क्लोक वाइज यानी जिस प्रकार घड़ी की सुई घूमती है उस तरह से अपने शरीर से घुमाकर नहर में, नदी में, तेज बहते हुए पानी में यदि आप प्रवाहित करते हैं, इससे आपको राहु जनित बैड इफेक्ट, बुरे प्रभावों से निजात मिलेगा और मन में प्रसन्नता भी बढ़ने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि के जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।